हेलो फ्रेंड्स, हिंदी एवी टेक ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे अग्नि फायर अलार्म सिस्टम के बारे में। और फायर अलार्म सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कन्वर्शनल और एक होता है एडजेस्टेबल। तो आज हम बात करेंगे कन्वर्शन के बारे में। तो मैं आपको प्रॉपर वायरिंग कैसे करते हैं, डिटेक्टर में कनेक्शन कैसे करते हैं और कौन कौन सी हम डिटेक्टर यूज करते हैं और ये सारा कुछ हम इस वीडियो में आपको प्रॉपर बताएंगे। तो अभी हम पहले बात कर लेते, अब दोनों में फ़र्क क्या होता है हमारा, मैं एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आपको। कन्वर्शनल और एडजेस्टेबल में दोनों डिफरेंट क्या होता है। जो एडजेस्टेबल होता है उसमें क्या होता है, पार्टिकुलर हम एक एड्रेस देते हैं। जैसे मल्टीपर्पज़ हमारी बिल्डिंग है जिसमें अलग अलग ऑफिस हैं, तो हमें अलग अलग ऑफिस में अलग अलग डिटेक्टर का हमें पता है कि इस फर्स्ट फ्लोर से या सेकेंड फ्लोर हमारा डिटेक्टर इस नंबर का है और इस जोन में हमारा डिटेक्ट किया है, तो कौन सी जगह पर हमारा कहाँ पर लगा हुआ है, तो हम उसको फाइंड करके उसको प्रॉपर सही कर सकते हैं। तो या आप हमें वो डिटेक्ट करके बताएगा कि यहाँ पे फायर हुआ है या नहीं हुआ है, तो इस सारा कुछ उसमें होता है काफ़ी चीज़ें। और एडजेस्टेबल में क्या होता है, आप लूप, एक लूप से आप कम से कम 130 या 125, 150 के करीब डिटेक्टर लगा सकते हैं, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने अपने लगाए हैं। और आपको बता देता हूँ मैं, उसमें हम जॉन वन लेके चलते हैं, तो जॉन में हम सिंगल प्लस माइनस चलती है, तो हम हीट डिटेक्टिंग, एमसीपी और हूटर और आपका आरआई वगैरह, ये सब कुछ हम उसमें लगा सकते हैं। बट हम कन्वर्शनल में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि तो कन्वर्शनल में हम सिर्फ जॉन के अंदर एक एमसीपी और डिटेक्टर लगा सकते हैं, और हम हूटर के लिए हमें अलग से वायरिंग करनी पड़ती है। तो ये सारा कुछ डिफरेंट होता है, मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है, बाकी डीपली किसी दिन में वीडियो लेके आऊँगा उसमें आपको बताऊँगा। तो अभी हम बात करते हैं कन्वर्शन के बारे में। ये मैंने अग्नि का फायर पैनल है और ये मैंने हमने लगाया है, और कैसे हमने लगाया है, प्रॉपर वायरिंग कराई थी, तो वो प्रॉपर अगर आपने मेरी वीडियो प्रॉपर देख लिया तो आपको कहीं भी ट्रेनिंग फायर अलार्म की नहीं लेने की जरूरत पड़ेगी, आप यहीं से देख के आप पूरा प्रॉपर सीख जाओगे। तो हमारे जो स्मोक डिटेक्टर होते हैं वो आप इस कौन कौन से किस प्रकार होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कि ये मेरा हीट डिटेक्टर है जो कि हीट के काम में आता है, जैसे कोई कितना हमारा हीट हो रहा है या हीटअप हो रहा है जो भी है। और आपको ये मल्टी सेंसर डिटेक्ट होता है, या साहब आपको हीट भी करता है आपका, स्मोक भी करेगा आपका, और कार्बन गैस वगैरह लीक है वो भी देगा आपका। तो ये मल्टी में हम यूज करते हैं, मल्टी सेंसर डिटेक्टर। स्मोक में आपको सिर्फ ओनली धुएं का ही बताएगा कि यहाँ पे हमारा फायर हुआ है। और कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर हम यूज करते हैं गैस लीकेज वगैरह के लिए, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियों में गैस होती है, जैसे घरों में हम कर देते हैं। और हीट डिटेक्टर आपको पता ही है हीट के लिए होता है, और ये आप रेजिस्टेंस यूज करते हैं, हम एंड एंड ऑफ पर लगाते हैं, क्योंकि हमारा जहाँ पे हमारा लूप का एंड होता है, इसका रीजन लगाने का सबसे ये है कि अगर हम इस रेजिस्टेंस को लगाएंगे नहीं तो हमारा लूप ओपन दिखाएगा, इसलिए हम इसको यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो हमने एक लूप यहाँ से जॉन जॉन वन से उठाया है, आप देख रहे होंगे कि मेरी वायरिंग चल रही है। तो पहले हमने एमसीपी पे लगाया है, जो कि पूरा एमसीपी की फुल फॉर्म होती है, मैनुअल कॉल पॉइंट। तो हमने ये एमसीपी पे लगाया, एमसीपी से हमने लूप आउट किया है, हमने इस डिटेक्टर पर लगाया मल्टी सेंसर वाले पे, यहाँ से हमने आउट किया है और हमने स्मोक डिटेक्टर लगाया, और उसके बाद हम एंड अप एंड कर दिया रेजिस्टेंस लगा के। हम लोग कन्वर्शन में सिर्फ ओनली 30 मैक्सिमम डिवाइस लगा सकते हैं जोन वन में। तो ये दो जोन का भी आता है, चार जोन का भी आता है, जैसे एज पर रिक्वायरमेंट हम यूज करते हैं। तो अभी हम ये हमारा जो चलता है ये वोल्टेज, इसमें आउटपुट होता है वो 24 वोल्ट आउट होता है, डीसी 24 वोल्ट आउट, और इसमें दो बैटरी रखी जाती हैं 12 12 वोल्ट की। तो इमरजेंसी के लिए अगर लाइट चली जाए तो आपका पैनल ऑन रहे। तो मैं आपको प्रॉपर आप इसका डायग्राम आप समझ गए होंगे कैसे कैसे हम प्रॉपर बना वो करते हैं वायरिंग। तो चलिए अब आपको हम प्रॉपर अग्नि का जो हमने कनेक्शन कैसे करते हैं उसमें डिटेक्टर में, वो आपको आगे बताते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये मेरा अग्नि का जो फायर पैनल हम लोग लगा रहे हैं कन्वर्शनल, तो उसका ये डायग्राम है। तो आप देख रहे होंगे मैंने जैसे आपको बताया है किस तरह हम वायरिंग करते हैं, तो इसमें मैंने एमसीबी से लूप उठाया, आप देख रहे होंगे यहाँ से। तो मैंने ये मेरा जो ब्लैक जा रही है वो ब्लैक वायर है, और ये मेरा जो फायर अलार्म का जो सिस्टम है उसकी ये पीसीबी है। देख रहे हो यहाँ पे जेड लिखी, जेड वन लिखी है और ये ग्राउंड लिखी है। तो मैंने यहाँ से लूप स्टार्ट किया है जॉन वन, तो जेड वन का होता है जॉन वन, और जेड टू का जॉन टू, और जेड थ्री का जेड जॉन थ्री, और जेड फोर का जॉन फोर। तो ये आप देख रहे हैं साथ में ग्राउंड है और जॉन वन है। तो जो इस पे प्लस चलता है मेरा 24 वोल्ट, और इस पे माइनस चलता है मेरा। तो ये मैंने यहाँ से लूप उठाया है, तो पहला मैंने ये ऑप्टिकल स्मार्ट डिटेक्टर लगाया हुआ है, आप देख रहे होंगे। तो
उसके बाद फिर मैंने यहीं से आउट करके मैंने ये एमसीबी में लगाया है। अब देख रहा हूँ यहाँ से वायर उठाया मैंने इसके प्लस में दे दिया, यहाँ से वायर उठाया इसके माइनस में दे दिया। इसी तरह हम आगे वाले डिटेक्टर पे हमने काम किया है, तो वैसे ही हमने यहाँ पे माइनस दे दिया, इधर प्लस दे दिया है। इस तरह हम करते करते लूप में लगाते चले जाएंगे। आप देख रहे होंगे यही हमने पूरा लूप के अंदर ये सारे लगा दिए हैं। और ये अब मैं आपको बताता हूँ, अब हूटर का मैंने आपको बताया कन्वर्सन में हूटर अलग से लगता है, वायरिंग अलग से होती है। तो आप देख रहे हैं एच माने एच प्लस, हूटर का प्लस है और ग्राउंड माने माइनस। तो हूटर की वायर है मेरी अलग लगवा दी है मैंने। और आपको जैसे बताया मैंने कि बैटरी की 7 एच की दो बैटरी है इसमें 12 12 वोल्ट की, तो ये 24 वोल्ट इसको ऑपरेट करने के लिए होता है। ये ट्वेल है तो 4K रेजिस्टेंस है, जो मैंने आपको बताया था वीडियो में कि ये लास्ट स्टैंड पे हम लगाते हैं इसको। तो आप RI के कनेक्शन और कैसे करते हैं वो मैं आपको दूसरे डायग्राम में समझाता हूँ मैं। देखिए दोस्तों, ये मेरा अग्नि का स्मोक डिटेक्टर है, इसमें हम RI के कनेक्शन कैसे करते हैं और स्मोक डिटेक्टर कनेक्शन कैसे करते हैं वो आप सारा बताएंगे। ये जो होता है हमारा, ये मेरा बेस बोलते हैं इसे हम, बेस जिसमें हम कनेक्शन करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये मेरा जॉन 1 से जो मेरी रेड कलर की केबल जा रही है तार, तो मैंने उसके दो नंबर पिन नंबर 2 पे इनमें डाल दिया है। और 6 नंबर ये मेरा दूसरा माइनस है, वो जो मेरा 5 नंबर की इनमें डाल दिया है जो नंबर 1 का, तो ब्लैक और रेड जो वायर जा रही है। और वैसे ही मैंने आपको ये बताया भी, आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्मोक डिटेक्टर का कहाँ लगाना है, किस नंबर पर लगाना है, किस पिन पर लगाना है। ये RI है, मैंने RI का जो स्मोक डिटेक्टर कनेक्शन होगा तो ये इस तरह होगा कि RI का जो प्लस है मेरा वो 6 नंबर पर जाएगा और RI का जो माइनस है मेरा 3 नंबर पर जाएगा। तो ये RI का रिस्पॉन्स इंडिकेटर का दे दिया है हमने फ्रेंड्स। इस तरह आप पूरा कनेक्शन कर लोगे वायर के थ्रू, और ये आपका पैरेलल में चलता है सारा कुछ। बस खाली आपको प्लस माइनस लगाते चला जा रहा है। आपको मैंने आपको बताया कि आप अग्नि का कैसा भी पैनल हो, इस तरह आप पूरा ही, और ये आपको पूरा ही कनेक्शन कराऊंगा। और आपको ये कन्वर्सन रिस्पॉन्स डिटेक्टर बताया भी है कि आपको कितना इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज है इसका, 9 वोल्ट से 28 वोल्ट DC में चलता है ये। और ये सब बताया कितना करंट लेगा, 120 U है लेगा, ये अलार्म करंट कितना है इसका, टर्मिनेशन कनेक्शन आपको बता ही दिए मैंने, मॉडल नंबर कौन सा है आपको ये सामने शो हो रहा है, और ये ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना हीट करेगा, ये स्मॉल सेंसिविटी कितनी करेगा, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। और ये सर्टिफिकेशन भी है CE का सर्टिफिकेशन। इस तरह आप कनेक्शन कर लोगे, ये इसका बेस लगा के आप कनेक्शन कर सकते हो। फिर भी आपको कोई डर लग रहा है कनेक्शन में तो आप एक बार उसका मैनुअल पढ़ लीजिए, कनेक्शन कर लोगे। चलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ वीडियो दिखा देता हूँ कि हमने कैसे कैसे फायर अलार्म सिस्टम लगाया है। चलिए दोस्तों, ये मेरा अग्नि का फायर अलार्म सिस्टम आप देख रहे होंगे। तो अब मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ कि इसमें हमने वायरिंग की है। तो आपको मैंने पहले ऑलरेडी डायग्राम के थ्रू समझा दिया है। तो ये मेरा MCP पे है और हूटर बगल साथ में ही लगाया मैंने अग्नि का, और प्रॉपर आपको मैं इसको समझा देता हूँ फिजिकल। अब देख रहे होंगे ये मेरा PCB है, देख रहे हैं ये मेरा PCB है। तो ये मेरी प्लस माइनस वायर है जो कि 2 कोर की वायर है। रेड में मैंने आपको बताया क्या लगाना, स्मार्ट डेटा कैसे कनेक्ट करते हैं। ये जॉन 1 है मेरा, और ये मेरा हूटर के लिए वायर जा रही है। आप देख रहे होंगे ये मैंने हूटर में लगाई है ऊपर, ये मेरा हूटर है मैंने लगाया गया है इसमें। तो ये इस तरह हम कनेक्शन कर लेते हैं प्रॉपर। फ्रेंड्स, हमने इसको ओपन करके धुआं किया तो इसको देख रहे हो आपको अपने, ये हमारा हीट कर दिया इसने। अब इसको हम साफ करके दोबारा लगाएंगे, ये नॉर्मल उस पर आ जाएगा। तो हमने ये चेक कराया किस तरह हम इसको चेक करते हैं। अब देख रहे हो नॉर्मल पर आ गया। अभी देख रहे हो अब इसमें क्या है, स्मोक डिटेक्टर अंदर धुआं है, तो जब तक ये क्लियर नहीं हो जाए तब तक ये इंडिकेट करता ही रहेगा। मैं इसको थोड़ा साफ करता हूँ, आ रहा है। आप देख रहे हो ये जॉन 1 फायर आ रहा है, अभी मेरा नॉर्मल नहीं हुआ है। तो जैसे ही मैं इसको रीसेट करूंगा, यहाँ से साइलेंस कर दूंगा, रीसेट करने के बाद मैं उस डिटेक्टर को दोबारा लगाऊंगा, देखता हूँ मैं क्या रिस्पॉन्स करता है मेरा। तो ये आपको चेक कराता हूँ साइड में, ये देखिए मैं साफ किया, तो इसको दोबारा लगवाता हूँ मैं। ये देखो अब मेरा अब इंडिकेटर आना बंद हो गया है, मैंने इसको दोबारा लगा दिया है। अब देखिए, तो इसी तरह आप उसको प्रैक्टिकल चेक कर सकते हो कि हमारा डिटेक्टर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है धुआं दे के। चलिए दोस्तों, नया कुछ लेके नई नेक्स्ट वीडियो आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।